हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट पे ऑलरेडी कई बार अटैक हो चुके हैं और आज यानी कि 13 दिसंबर को भी ऐसी ही कुछ घटना हुई। जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तब वहां पे जो है दो इंट्रूडर आते हैं और उन्होंने टीयर गैस से अटैक करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे वैसे तो किसी भी जान हानि या फिर ऐसी कुछ चीजें नहीं देखने को मिली जिससे कि मतलब कोई बहुत बड़ा डैमेज हुआ हो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा पार्लियामेंट का सेशन यानी कि लोकसभा सेशन चल रहा था, जीरो सेशन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे तभी जो ऑडियंस होती है यानी कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो ऑडियंस होती है, जो नॉर्मल एक सिटीजन होता है, वो भी पार्लियामेंट की हियरिंग को यानी कि लोकसभा की हियरिंग को सुन सकता है, लेकिन उन्हें एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो क्या है पूरी न्यूज, कैसे ये सब हुआ और क्या इसका रिजल्ट है और क्या हमें इससे समझना चाहिए, सब बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। अब मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं, तो वीडियो को देखो और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों लिए भी है, गिर गया, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो और इस तरीके के जो टीयर गैस है ये यहाँ पे रिलीज की जा रही है और कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आज तो चलो इनके हाथ में टीयर गैस है, लेकिन कल के दिन को भी मान लो कोई बड़ा हथियार हुआ, किसी भी टाइप का ऐसा ग्रेनेड हुआ जो बहुत बड़े लेवल पे जो है डैमेज करा भी जा सकता है। आपको पता होगा तो यहाँ पे एक और बार ऐसा हो चुका है जो कि 2001 में हुआ था, जिस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक बार के लिए हम जान लेते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो इंट्रूडर यानी कि पेटिया जो है पब्लिक गैलरी से जंप करते हैं करीब 1 बजे, ठीक है, जब 0 आर चल रहा था यहाँ पे लोकसभा के अंदर, और वो जो है जब ये मतलब यहाँ पे आप जो टीयर गैस देख रहे हो जब ये रिलीज कर रहे थे, साथ ही एक नारा भी लगा रहे थे जिसका नाम था तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है, यानी डिक्टेटरशिप विल नॉट बी अलाउड। तो ये जो है नारे के साथ क्या कर रहे थे, ये टीयर गैस को रिलीज कर रहे थे। द इंट्रूडर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट यूज्ड गैस कंसिस्टर्स, ठीक है, दैट एमिटेड द रेड एंड येलो स्मोक। यहाँ पे रेड और येलो स्मोक आप जो देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर्स में, वीडियोज में, ये जो है यहाँ पे टीयर गैस है और इन्होंने किसको यूज किया है, यहाँ पे कैनिस्टर को यूज किया है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हो रहा होगा कि आखिर पार्लियामेंट में भी ये हो सकता है, मतलब कोई जो है टीयर गैस अंदर ले जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ये बात सोचने की है, क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल सिटीजन की हम बात करें, नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो अगर वो पार्लियामेंट की हियरिंग को सुनने जा रहा है तो उसको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ का मतलब हो सकता है, मतलब हुआ हो सकता है, क्या हुआ है कि यहाँ पे जब वो सिक्योरिटी चेक पे उसकी चेकिंग हो रही थी उस पर्सन की, उन दोनों पर्सन की, तो उन्होंने अपने शूज के अंदर, ठीक है, अपने शूज के अंदर क्या छुपा लिया, कैनिस्टर छुपा लिया, और वो जो है हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल से वो जांच में पकड़ा नहीं गया और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और उसको अपनी घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे देखो द इंसिडेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग 0 आवर्स दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय लोकसभा एंड दिल्ली पुलिस हैज बीन रिक्वेस्टेड डायरेक्शन रिगार्डिंग द सेम, हाउएवर द स्मोक व्हिच वाज द रीजन। देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है इस स्मोक से, फिलहाल कोई किसी की जान नहीं गई, किसी को बहुत बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे चिंता देने वाली है वो यही कि अगर के अंदर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं तो इसका मतलब आज भी हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हम बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन, पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुरमू जो है, यहां पे आपको पता है 2001 के अंदर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनके द्वारा अटैक हुआ था हमारे इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, बंदूकों के साथ अंदर एंटर होना चाहते थे पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स अथॉरिटीज हैं उन सभी को वो मारना चाहते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जितने भी मार्टिर्स हैं, जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट पे जो भी उस वक्त तैनात क्या थे, गार्ड्स थे और बाकी जितने भी लोग थे जो एक तरीके से सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, उन्होंने कैसे ना कैसे उनको करके रोका और फिर जो है पूरी सिचुएशन को संभाला, लेकिन थैंक गॉड तब भी जो है हमने अपनी डेमोक्रेसी को बचा के रखा था।
और आज के दिन जो पीएम मोदी हैं और जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू, वो ट्रिब्यूट पे कर रही थी उन सभी सोल्जर्स के लिए उन्होंने जिन्होंने 2001 में यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक में अपनी जान जो है गवा दी थी, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट आपको यहाँ पे प्रेस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको देखेंगे दिखेंगे ट्रिब्यूट देते हुए, और ये वो सारे मार्टिर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गवाई 2001 के पार्लियामेंट अटैक के अंदर। लेकिन अभी ये जो चीजें हो रही है तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि हम जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको वर्ड्स के अंदर, लेकिन अभी भी उस वाले अटैक के बाद भी हम लोग संभले नहीं है, हमने अपनी सिक्योरिटी टाइट नहीं करी है। आज के टाइम पे कोई भी नॉर्मल इंसान जो है टीयर गैस लेके अंदर जा रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है और वो लोगों के ऊपर टीयर गैस रिलीज कर रहा है, तो सोच के देखो कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अच्छा, यहां पे जो है इससे पहले एक और जो है यहां पे वार्निंग मिली थी इंडिया को दैट वी विल अटैक पार्लियामेंट ऑन और बिफोर 13th दिसंबर। ठीक है, जो पुन्नू है, ठीक है, यहां पे खलिस्तानी ये पुन्नू है टेररिस्ट, इसने इसलिए क्या दिया था एक मतलब यहां पे वार्निंग दी थी कि हम जो है पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे 13 दिसंबर या उससे पहले या उसके बाद में, और आज देखो 13 दिसंबर ही है और आज जो है हमें देखने को मिला है। अभी फिलहाल के लिए ये पता नहीं चला कि वो जो इंट्रूडर पार्लियामेंट में घुसे थे वो किसके मतलब कहने पर आए थे, क्या वो पुन्नू के मतलब कुछ आदमी थे या फिर वो पाकिस्तान के जो इस जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा इनसे वजह से थे या फिर कौन थे आके वो और उनकी मंशा क्या थी, वो क्या करना चाहते थे, ये अभी जो है फिलहाल पता नहीं चला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ इन पिक्चरों के माध्यम से कि 2001 में जो पार्लियामेंट टेरर अटैक हुआ था उससे भी आज तक भी मतलब आप देखो करीब 22-23 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक हम संभले नहीं है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इन सब के बाद भी मतलब इनके अटैक के बाद भी जो है हमारे अपनी सिक्योरिटी अभी भी खतरे में है। ठीक है, यहां पे जो है लोगों ने अगर किसी ने अपनी जान गवाई है उस वाले अटैक के अंदर तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि यहां पे दोबारा ऐसी चीज ना होने पाए, हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा स्ट्रेंथन मेजर्स लेने चाहिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच अपडेट्स टू मैन ब्रीच सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट डिटेन। अभी जो है फिलहाल वो जो दोनों आदमी पार्लियामेंट के अंदर टीयर गैस जिन्होंने रिलीज करी थी, जिन्होंने ये सब किया अंजाम दिया, उसको फिलहाल क्या किया गया है जेल डाल दिया गया, यानी कि उनको कस्टडी में ले लिया गया है। अभी उनसे फिलहाल बातचीत होगी, पता चलेगा उनकी मंशा, उनका पूरा जो है ये सब करने के पीछे का कारण। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपके लिए वीडियो बना के और उस अपडेट को आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, मैं चाहता हूं आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके व्यू पॉइंट आपके ओपिनियन के बिना अधूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ। Thank you.